दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स के बारे में, जिसके अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इन्हें लॉन्ग टर्म पर्पज से पिक करके चल सकते हैं, क्योंकि यहां पर हमें कुछ बड़ी अपडेट्स इन शेयर से रिलेटेड देखने को मिल रही है, जिस कारण से आपको मंडे के दिन भी इनकी शेयर प्राइस के अंदर कुछ बड़े मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। उसके पहले यदि आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हमारी लिस्ट में जो सबसे पहला शेयर है उसका नाम है SBI कार्ड। जी हाँ दोस्तों, SBI कार्ड को लेकर यहाँ पर एक बहुत बड़ी अपडेट हमें देखने को मिल रही है। पिछले 7 साल का रिकॉर्ड यहाँ पर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ने ब्रेक किया है, जिसका बेनिफिट SBI कार्ड को मिलते हुए देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने डायरेक्ट कह दिया है कि जिस प्रकार से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन यहाँ पर इम्प्रूव हो रहे हैं, आने वाला फ्यूचर इन्हीं का होने वाला है, तो उसमें SBI कार्ड को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। रिसेंटली अभी कुछ टाइम पहले ही आपको इस शेयर्स का IPO आते हुए देखने को मिला था, जिसके बाद में IPO के बाद में इस शेयर्स के अंदर हमें कुछ बड़े करेक्शंस भी देखने को मिले थे, लेकिन फाइनली यहाँ पर हमें वापस अपवर्ड के मूवमेंट देखने को मिल रहे हैं। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में लगभग 1 से 1.25% तक की तेज़ी हमें देखने को मिल चुकी है, और आप देख सकते हैं डिजिटल ट्रांजेक्शन इन इंडिया जंप्ड 19 टाइम्स इन लास्ट 7 ईयर्स, यानी कि पिछले 7 सालों में सबसे ज्यादा यहां पर लगभग 19 गुना जंप हमें डिजिटल ट्रांजेक्शन के अंदर ग्रोथ देखने को मिल रही है, जिसका अल्टीमेटली बेनिफिट यहां पर जो भी ऑनलाइन कार्ड सिस्टम है उनको होने वाला है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेनिफिट SBI कार्ड को भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आप शॉर्ट टर्म पर्पज़ से 1400 रुपये के टारगेट और लॉन्ग टर्म पर्पज़ से 2500 रुपये तक के टारगेट यहाँ पर लेकर चल सकते हैं। अगले शेयर्स के बारे में बात करें जिसका नाम है FL इंडिया लिमिटेड, जहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करती कंपनी FL इंडिया लिमिटेड, जहाँ पर हमें इसके क्वार्टरली रिजल्ट भी बहुत ही शानदार देखने को मिले हैं, और साथ ही साथ लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें 2 से 2.25% तक की तेज़ी इस शेयर्स के अंदर भी देखने को मिल चुकी है। FL इंडिया लिमिटेड के अंदर भी अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो यहाँ पर भी आप अपनी पोजिशंस को लॉन्ग टर्म पर्पज़ से कंटिन्यू करते हुए चल सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इस शेयर्स के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली करंट शेयर प्राइस पर आप इसके अंदर बाय ऑन डिप करते हुए चल सकते हैं, क्योंकि FL इंडिया लिमिटेड के भी जो टारगेट है वो यहां पर लॉन्ग टर्म पर्पस से 2000 रुपए तक के आप लेकर चल सकते हैं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अनदर शेयर्स के बारे में, जिसका नाम है रूट मोबाइल लिमिटेड। रूट मोबाइल लिमिटेड रिसेंटली इस कंपनी का भी IPO आपको आते हुए देखने को मिला था। IPO के बाद से काफ़ी शानदार रिटर्न्स ये शेयर अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे चुका है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें इस शेयर के अंदर मामूली से करेक्शंस देखने को मिल रहे हैं, लेकिन रूट मोबाइल के अंदर हमें एक बड़ी अपडेट्स यहां आते हुए देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं रूट मोबाइल अलोट्स 46.84 लाख शेयर्स वर्थ ₹868 करोड़ अंडर QIP इशू, यानी कि कंपनी ने QIP के थ्रू यहां पर लगभग 868 करोड़ रुपए की फंड रेजिंग करी है, जिसमें 46,84,000 शेयर्स कंपनी ने इशू करे हैं। तो इस न्यूज़ का बेनिफिट भी रूट मोबाइल की शेयर प्राइस के ऊपर आपको मंडे के दिन देखने को मिल सकता है, और फ्यूचर में कम्युनिकेशंस के भी जितने भी बिलोंग करती कंपनियां हैं उनको भी बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो इस शेयर्स को भी अगर आपने अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रखा है तो इसको भी आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, यहां पर भी कुछ पॉजिटिव मूवमेंट्स आपको फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं। वहीं बात कर लेते हैं अनदर शेयर्स के बारे में, जिसके अंदर फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखी जा रही है, और एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि लगभग इसकी करंट शेयर प्राइस से आने वाले टाइम में आपको 60% हाई ग्रोथ इस शेयर के अंदर देखने को मिल सकती है, जिसका नाम है Zomato लिमिटेड। Zomato लिमिटेड के अंदर हमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में लगभग 8.5% तक की तेज़ी देखने को मिल चुकी है। उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह सामने निकल कर आई है, जिसमें जैसा कि आपको पता है कि कल ही के दिन MSCI इंडेक्स की जो यहाँ पर अपडेटेड रिपोर्ट है वो यहाँ पर डिक्लेयर कर दी गई है, जिसमें IRCTC और साथ ही साथ टाटा पावर के साथ में हमें Zomato लिमिटेड का भी नाम यहाँ पर इंक्लूड होते हुए देखने को मिल रहा है। तो इससे Zomato लिमिटेड को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, और इस कंपनी के अंदर भी जो इनफ्लो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो होने वाला है। लेकिन सिर्फ यही रीज़न नहीं है, जैसा कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फ्यूचर ग्रोथ के वाले में, जिसमें SBI कार्ड जैसा कि आपको बताया कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन 100% बढ़ना ही है, वहीं अगर हम बात करें रूट मोबाइल की कम्युनिकेशन सिस्टम आने वाले टाइम में बढ़ना ही है, उसी में Zomato को भी अगर इंक्लूड करें तो Zomato को
भी यही बेनिफिट मिलने वाला है कि जो ऑनलाइन फूड डिलीवरी है वो आने वाले टाइम में बढ़ना ही है, कभी ख़त्म नहीं होना। तो इसलिए इस शेयर्स को भी आप मोनोपोली के बिजनेस में लेते हुए चल सकते हैं। और यदि आपने जोमेटो के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो शॉर्ट टर्म पर्पज़ से इसके भी जो टारगेट हैं वो 180 रुपये तक के निकल कर आ रहे हैं। साथ ही साथ इन्वेस्टर्स का तो कहना है कि भले ही आपको इसके क्वार्टर टू के रिजल्ट के अंदर गिरावट देखने को मिली है, लेकिन उनके बावजूद आपको इस शेयर के अंदर लगभग 60% तक के अपसाइड के मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। तो आपको इस शेयर्स को भी बिल्कुल भी मिस करते हुए नहीं चलना है। जब से ये कंपनी लिस्टेड हुई है, यानी कि जुलाई मंथ में ही हमें इसका आईपीओ आते हुए देखने को मिला था, तब से लेकर अभी तक लगभग 35-2% के रिटर्न्स ये कंपनी बनाकर दे चुकी है, लेकिन अभी भी इसमें अपसाइड के काफ़ी मूवमेंट बाकी है। तो यदि आप इस शेयर्स के अंदर भी बाय ऑन डिप करके चलना चाहते हैं तो डेफिनेटली आने वाले 5 सालों के लिए आप इस कंपनी को भी पिक करके चल सकते हैं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अनदर शेयर्स के बारे में, जिसका नाम है CDSL, यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। ये भी एक मोनोपोली का बिजनेस करती हुई कंपनी है। जैसा कि आपको बताया कि ऑल ओवर इंडिया में लिस्टेड डिपॉजिटरी अभी हमें सिर्फ CDSL ही देखने को मिलती है, और साथ ही साथ जो नंबर ऑफ डीमेट्स अकाउंट्स यहाँ पर ओपन हो रहे हैं, यानी कि पर मंथ लगभग 25-40 लाख डीमेट्स अकाउंट हमें पर मंथ यहाँ पर ओपन होते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो उसका सीधा बेनिफिट CDSL को मिल रहा है। साथ ही साथ पेटीएम का IPO, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट IPO माना जा रहा है, वहां पर भी जो हमें डीमेट्स अकाउंट ओपन होते हुए देखने को मिले हैं, उसका भी जो डायरेक्ट बेनिफिट है वो CDSL को ही मिलने वाला है। तो यदि आपने CDSL के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो यहां पर भी आप अपनी पोजीशंस को लॉन्ग टर्म पर्पस से कंटिन्यू करते हुए चल सकते हैं। CDSL के जो हमें Q2 के रिजल्ट भी देखने को मिले हैं, रिजल्ट बहुत ही आउटस्टैंडिंग निकल कर आए हैं। पिछले एक साल के अंदर 193% तक की शानदार रिटर्न्स यहां पर अपने इन्वेस्टर्स को CDSL बनाकर दे चुका है। वहीं बात करें अनदर शेयर्स के बारे में, यानी कि ITC लिमिटेड, जहां पर हमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में लगभग 1-1.25% तक की तेज़ी इस शेयर्स के अंदर देखने को मिल चुकी है। वहीं आज के दिन हमें ITC लिमिटेड के अंदर भी एक बड़ी अपडेट्स आते हुए देखने को मिल रही है। ITC इन्फोटेक आइज ₹3,000 करोड़ रेवेन्यू मार्क दिस फिस्कल, यानी कि कंपनी का टारगेट है कि इस फाइनेंशियल ईयर तक कंपनी ITC इन्फोटेक के अंदर लगभग 3,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। देख सकते हैं आज ही के दिन की ये न्यूज़ निकल कर आई है, जिसमें ITC इन्फोटेक द मिड कैप IT सर्विसेज प्रोवाइडर दैट पार्ट ऑफ द 2.87 लाख करोड़ सिगरेट टू होटल्स कॉन्ग्लोमरेट ITC ग्रुप इज एक्सपेक्टिंग ग्रोथ मोमेंटम सीन इन द लास्ट 4 quarters सस्टेन फॉर द फॉरसेबल फ्यूचर विच विल हेल्प इट गेट नियर द 3,000 करोड़ रेवेन्यू। तो यहाँ पर कंपनी के जो टारगेट है वो तो काफ़ी बुलिश देखने को मिल रहे हैं, जिस कारण से ITC के शेयर होल्डर्स को भी इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। एट द एंड दोस्तों बात कर लेते हैं अनदर शेयर्स के बारे में, जिसके अंदर आपको मंडे के दिन कुछ पॉजिटिव मूवमेंट्स देखने को मिल सकते हैं, जिसका नाम है HFCL लिमिटेड। जैसा कि आपको पता है कि 5G स्पेक्ट्रम आने के बाद में इस शेयर्स को भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। साथ ही साथ PLI स्कीम में भी HFCL लिमिटेड का नाम हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो उस न्यूज़ का भी इस शेयर्स को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। HFCL लिमिटेड जहाँ पर हमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इस शेयर्स के अंदर लगभग 2% तक की तेज़ी देखने को मिल चुकी है, और साथ ही साथ ASM लिस्ट की Stage 2 से Stage 1 इस शेयर्स को ट्रांसफर कर दिया गया है, जिस कारण से मंडे के दिन आपको इस शेयर्स के अंदर भी कुछ पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड स्टे अपडेटेड।